अस्सलामुअलैकुम। आज के इस ब्लॉग में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दिल्ली में इतनी सारी ब्यूटिफिकेशन और रीडेवलपमेंट देख करके यकीन नहीं कर पा रहा कि भाई मैं दिल्ली में हूँ या फिर फॉरेन में हूँ। भाई दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है भाई क्या सीन चालू है चारों तरफ। रीडेवलपमेंट का काम जो इतनी तेजी से चल रहा है, खैर अच्छी बात है, गुड सीन गवर्नमेंट। आजकल लोग G20 समिट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। 9 से 10 सितंबर को दिल्ली में होने जा रहा है G20 समिट। 20 मुल्कों के अलग अलग प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर कह लो, और इनके अलावा और भी कंट्रीज के जो प्रेसिडेंट है उनको भी एज अ गेस्ट इनवाइट किया गया है। तो इस मीटिंग में बात होगी ग्रीन डेवलपमेंट के ऊपर, क्लाइमेट फाइनेंस एंड लाइफ के ऊपर, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के ऊपर। आई थिंक यू गेट द आइडिया, बाकी यू कैन गूगल इट फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, दिस इज द थीम ऑफ G20 समिट। बात करें ब्यूटिफिकेशन ऑफ रोड्स की, तो पूरी दिल्ली को दिखाना तो पॉसिबल है नहीं, तो जो जो हमें रास्ते में दिखता जाएगा हम आपको उसे रूबरू करवाते चलेंगे। तो अभी सबसे पहले हम जा रहे हैं ITO और राजघाट के एरिया के आसपास चेक करने के लिए जा रहे हैं कि कौन कौन सा एरिया जो है वहाँ पे ब्यूटिफिकेशन रीडेवलपमेंट हुआ है। तो इस वक्त मैं हूँ अभी राजघाट और ITO वाले स्ट्रेच रोड पर। काफी सारी लाइटिंग और प्लांटेशन बहुत सारी की गई है, और मेरे पीछे एक स्कल्पचर आप देख रहे होंगे, ये स्टील की रेलिंग देख रहे हैं आप, ये बहुत ही देखने में खूबसूरत लग रही है। और पीछे आप देख रहे होंगे वॉकिंग के लिए एरिया बनाया गया है, और यहाँ पे बराबर में जो है साइकिलिंग के लिए बनाया गया है। तो राजघाट पे मुझे ज्यादा कुछ स्कल्पचर वगैरह दिखानी, बस फुटपाथ वगैरह की जो है वो काम हो रखा था। और अभी हम जा रहे हैं दूसरी लोकेशन पे, तो वहां देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलता है। ये जो सनलाइट है बहुत ज्यादा हार्श लग रही है मुझे, तो अभी शूट करने में थोड़ा मजा सा नहीं आ रहा। तो अभी हम जामा मस्जिद से प्रगति मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं, और अभी हम देखेंगे कि हमें क्या क्या देखने को मिलता है। फिलहाल अभी जो हमारी दूसरी लोकेशन है ये है दरियागंज के आसपास की। तो यह है दूसरी लोकेशन, मैं शहीदी पार्क आया हुआ हूँ, ये ITO के आसपास का एरिया है। और यहाँ पे G20 के लिए जो रीडेवलपमेंट की गई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यह है शहीदी पार्क, और यहाँ पे मेटल से बहुत सारी जो है आर्ट फॉर्म बनाई गई है। ये आप ऊपर फ्रीडम फाइटर्स देख सकते हैं। यहाँ से निकलते हैं, अब हम तीसरी लोकेशन पे मिलते हैं आपको। मैंने ये नोटिस किया है कि जब भी कोई ऐसा बड़ा इंटरनेशनल इवेंट होता है तभी ब्यूटिफिकेशन का काम हमें ज्यादातर देखने को मिलता है। लास्ट मैंने ऐसा 13 साल पहले 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान देखा था, जब दिल्ली को पूरी तरीके से रेनोवेट कर दिया गया था। तो भाई ये मंडी हाउस का एरिया है, प्रगति मैदान एरिया है, और यहाँ पे बहुत सारे जो रीडेवलपमेंट हुई पड़ी है। और यहाँ पे हम देखेंगे बहुत जगह जगह हमें एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगी G20 की। अब इस एरिया से ब्यूटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी, ये प्रगति मैदान का जो एरिया आने वाला है। अभी हम प्रगति मैदान वाले रोड पर हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा पुलिस है। तो अभी मैं देखता हूँ, उतर के देखता हूँ कहीं गाड़ी वाड़ी लगाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इस एरिया में गाड़ी लगाना तो कहीं दिख नहीं रहा मुझे, अलाउड नहीं है। तो मैं लगाने की कोशिश करता हूँ और उतर के सब चीजें कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। ब्यूटिफिकेशन की गई है फुटपाथ की, कितने नीट एंड क्लीन लग रहे हैं। तो मैं शूट करने के लिए मेन गेट की तरफ गया था, लेकिन वहाँ बहुत सारी पुलिस खड़ी थी, उन्होंने सबने मना कर दिया कि शूटिंग अलाउड नहीं है। तो ये है दरगाह मटका पीर, काफी सारी जो है ब्यूटिफिकेशन करी हुई है, और ये प्लांट्स वगैरह लगाए गए हैं। हर तरफ G20 की ब्रांडिंग हो रखी है भाई। तो भाई प्रगति मैदान की तरफ बिल्कुल भी रुकने नहीं दे रहे किसी को भी। तो आज पुलिस वालों की ड्रिल चली है, और प्रगति मैदान की तरफ बहुत ज्यादा पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, नॉर्मल पुलिस है, और जो बसेस को तो वहां से आने नहीं दे रहे, अभी से बंद कर दिया गया है। काफी ज्यादा मतलब सुधार कर दिया दिल्ली के अंदर, ये चीज तो देखने को मिल रही है। बहुत सारे जो है प्लांट्स लगाए गए हैं दिल्ली के अंदर, और फुटपाथ वगैरह बहुत ज्यादा मतलब क्लीनलीनेस मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है दिल्ली के अंदर। स्पेशली ये जो सेंट्रल दिल्ली का पार्ट है, CPE का नॉर्थ प्लेस, इंडिया गेट और चिड़ियाघर के आसपास, प्रगति मैदान के आसपास के जो एरियाज है बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन दिखाई दे रहे हैं। तो पिछले 15 मिनट से हम लोग चिड़ियाघर के जो रेड लाइट वाला एरिया है ना, जो यू टर्न लेकर के आते हैं वहाँ पे खड़े हुए हैं। सामने हमारे चिड़ियाघर है, और पता नहीं किस वजह से रोका हो, मुझे नहीं पता। इधर की तरफ से हमारे राइट हैंड साइड की तरफ से गाड़ियाँ आए जा रही है, और इधर की गाड़ियाँ बिल्कुल रोकी हुई है पुलिस वालों ने। तो आज है डे टू शूट का, और अभी हम चल रहे हैं अपनी पहली लोकेशन पर। तो अभी देखते हैं हमारी कौन सी पहली लोकेशन हमें मिलती है। इस वक्त मैं हूँ इंडिया गेट के गोल चक्कर पर, और
और यहाँ पे बहुत ज्यादा फोर्स लगी हुई है, पुलिस वाले हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, गाड़ी रुकने नहीं दे रहे बिल्कुल भी, और ना ही किसी को इंडिया गेट में घुसने की इजाजत है। सब जगह इन्होंने बैरिकेडिंग कर दी है। मैं चाह रहा था किसी फाउंटेन के पास जाकर के फोटोज वगैरह वीडियोज वगैरह लूं और ये, लेकिन किसी को रुकने नहीं दे रहे। अभी मैं सीपी की तरफ जा रहा हूँ, वहां पे अगर मुझे कुछ मिलता है तो देखते हैं शूट करेंगे। अभी हम मंडी हाउस की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले ये है मंडी हाउस का, सेंट्रल पार्क में, और सेंट्रल पार्क में जो चारों तरफ है इन्होंने फ्लैग लगाए हुए हैं। जो विजिट करने वाले हमारे देश में तो उन कंट्रीज के यहाँ पे फ्लैग लगाए हुए हैं। मेरा इस मामले में एक अदद ओपिनियन ये है कि हमारा कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है और भी बहुत सारी चीजें, वो थोड़ा सा बाकी कंट्रीज के मुकाबले में स्लो है। चाइना हो, हांगकॉन्ग हो, सिंगापुर, थाईलैंड, बाकी हमारी जो जितनी भी एशिया की नेबरिंग कंट्रीज है उनसे हम कंपेयर करके देख सकते हैं कि हम कहाँ स्टैंड आउट करते हैं। आने वाले कुछ सालों में इंडिया हमारा जो है सुपर पावर बनने जा रहा है, तो इस बात का मुझे एक प्राउड फील होता है। ऑल्सो वी लैंडेड ऑन द साउथ पार्ट ऑफ द मून, और ये हुआ सोने पे सुहागा। ये है सीपी का सेंट्रल पार्क, वो सामने है LIC की आइकॉनिक बिल्डिंग, और ये है फ्लैग, लॉन्गेस्ट फ्लैग ऑफ न्यू दिल्ली। तो मैंने अपने तरीके से आपको G20 समिट की क्या क्या तैयारी चली है वो सब दिखाया, और अभी मैं फाइनल हूँ सीपी के अंदर। अब मैं यहाँ पे शूट डन कर रहा हूँ। तो अभी हम सीपी से मंडी हाउस वापस आ चुके हैं, और अभी मैं खड़ा हूँ BM स्नैक पर, अभी कुछ खाएंगे, भूख लग रही है, और फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, और G20 समिट की जो तैयारी चल रही है और जो भी विजुअल्स मैंने आपको दिखाए ये आपको कैसे लगे।